साथियों नमस्कार कृषि दर्शन कार्यक्रम के चौपाल अंक में आप सबका हार्दिक स्वागत है साथियों कहते हैं कि जानकारी सबसे बड़ा हथियार होता है और जब जानकारी के साथ हम कोई भी काम करते हैं तो हमारी सफलता हम उस मुकाम तक पहुंचा लेते हैं इसी तरह से आज हम गरेरा गांव में हैं और गरेरा गांव के इस प्रांगण में हमारे कुछ वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हैं और कुछ हमारे किसान साथी हैं किसान साथी अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए वैज्ञानिकों से रूबरू होंगे हम आप सबका स्वागत करते हैं और परिचय के क्रम में हम आपका परिचय करा दें कतार में बैठे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर ए के सिंह साहब जो कि पौध संरक्षण विभाग से हैं बीच कतार में हमारे श्री जी एस गोरख साहब जो कि डीडीए कृषि इसी कतार में बैठे हैं हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र से जो कि मृदा वैज्ञानिक हैं डॉक्टर शैलेश कुमार जी इस तरफ हमारे किसान साथी बैठे हुए हैं और हम किसान साथियों से अब बात करते हैं कि इनके आखिर क्या जिज्ञासाएं हैं क्या प्रश्न हैं तो सर आप अपने विषय में बताएं जी सर मेरा नाम जशरथ सिंह यादव है मैं ग्राम गरेरा जिला दतिया मध्य प्रदेश से हूँ आज हमारे बीच में हमारे दतिया से कृषि वैज्ञानिक और हमारे डीडी संचालक और हमारे और भी वैज्ञानिक हैं और साहब दूरदर्शन का जो कार्यक्रम है आज हमारे गांव में चल रहा है और बड़े सौभाग्य से आज मैं सब किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि जो भी अपन को प्रश्न रखना है जो भी समस्याओं पूछना है वो डी साहब से और हमारे वैज्ञानिक साहब से हम जानकारी लेंगे तो आपका क्या प्रश्न है सर प्रश्न को तो सर जैसे आजकल हमारे यहाँ चल रहा है अभी फसल बीमा का भी चल रहा है तो जो लोगों को किसान कार्ड बना हुआ है उन लोगों को तो फसल बीमा करा लेते हैं और जिन लोगों का फसल किसान कार्ड नहीं बना है तो उन लोगों को दिक्कत होती है फसल बीमा कराने में तो सर से निवेदन करेंगे कि वो फसल बीमा के बारे में बताएं कि जो लोग किसान कार्ड नहीं बना हुआ है और वो कैसे करें सामान्य किसान भाइयों फसल बीमा के लिए अधिसूचित फसलों का बीमा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से हमारे दतिया जिले के लिए और इसके लिए हमने सी सेंटर के माध्यम से अलग अलग केंद्रों पर बीमा करवाया है किसानों को बुलवा बुलवा के और सभी किसान इसका लाभ लेंगे हमारे किसान भाई अपनी जोखिम से बचने के लिए इसका लाभ लेने के लिए आ गया है। तो हमारे किसान भाइयों का जो सवालों का सिलसिला है वो जारी है हम सवालों के अब सिलसिले को पूछ रहे हैं हमारे एक और साथी किसान भाई बैठे हैं सर अपना नाम बताएं मेरा नाम पुष्पेंद्र गौतम है और मैं ग्राम पंचायत गरेरा से हूँ और अपना ये कार्यक्रम चल रहा है दूरदर्शन का और ये मैं मेरा सवाल ये है विज्ञान सबसे कि अभी बलराम तालाब के बारे में पूछ, बता रहे थे सर बलराम तालाब क्या है किसानों को बताओ और हम लोगों को कुछ यहाँ गरेरा पंचायत में कुछ लाभ मिले उस तरीके से तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ जी बहुत अच्छा आपका सवाल है जो आप सर बताएंगे कृषि विभाग से जो सर हैं कृषि विभाग की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है बलराम तालाब योजना जो किसानों को फसल के पानी की कमी की स्थिति में जीवन रक्षक सिंचाई करने के लिए एक सुनिश्चित साधन है जो हमारे कृषि विभाग से प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर आवेदन ऑनलाइन किए जाते हैं हमारे भूमि संरक्षण अधिकारी उसका स्वीकृति करते हैं हम प्रशासनिक स्वीकृति देते हैं और अस्सी हज़ार से एक लाख तक इसमें अनुदान है जो भी किसान भाई इसमें लाभ लेना चाहते हैं आगे आएँ और वल्लम तालाब योजना के लिए आवेदन करें हम उसको पात्रता अनुसार स्वीकृत करके उसको लाभ देंगे किसान भाई अपना स्वयं का सिंचाई का साधन विकसित करें और अधिक से अधिक उत्पादन पाएँ बिल्कुल और साथियों ये जो तालाब की बात अभी सर ने बताई है हमारे शासन से कई ऐसी योजनाएं रहती हैं जो हमारे जल संरक्षण के साथ साथ और कृषि के लिए भी बहुत उपयोगी रहते हैं तो एक और साथी है हमारे साथ हमसे बात करेंगे आप अपना नाम बताएं सर जी सर मेरा नाम प्रशांत यादव है मैं ग्राम गरेरा का रहने वाला हूँ अभी वर्तमान में पैरामिलिट्री फोर्स में कार्यरत हूँ घर पर आकर मैं अपनी कृषि करता हूँ अभी वर्तमान में लद्दाख में पोस्टेड हूँ सर मेरे खेत में एक उड़द की फसल बोई थी पिछली साल भी बोई थी उसमें सर पीला रोग लगा था इस बार भी वही उसमें पीले रोग की फिर से शिकायत है कृपया करके वैज्ञानिकों से मेरा अनुरोध है कि कृपया करके हमको बताएं कि इसका किन्द्रावरण कैसे करें बिल्कुल ये जवान और किसान की बात है जवान भी है और किसान भी है ये बहुत खुशी की बात है सर इनके प्रश्न का आप निवारण करें हाँ जरूर हम बताना चाहते हैं आपको कि जो आपके उड़द में पीला रोग लग, लग रहा है ये वायरस जनित रोग है विषाणु जनित रोग है और एक बार ये रोग जब आ जाता है तो अभी कोई भी ऐसी दवा नहीं है जिसके द्वारा इसको ख़त्म किया जा सके तो जो हम प्रिकॉशन करते हैं या पहले से बचाव की स्थिति करते हैं वही आज भी उपाय है पहला तो रोग रोधी प्रजाति हो अब रोग रोधी प्रजाति की बात है कि हमेशा ऐसी जगह से बीज लिया जाए जो बिल्कुल मतलब आपके विश्वास पर तो खासतौर से यूनिवर्सिटी से लीजिए और अच्छे सेंटर्स जो हैं उनसे लीजिए जिसमें आज आई पी यू थर्टीन वन एक बहुत अच्छी वैरायटी है इसकी बहुत बढ़िया है इसके अलावा आई पी मतलब उत्तरा वैरायटी थी शेखर टू वैरायटी है आज़ाद तीन वैरायटी है इनमें ये रोग बहुत कम आता है ख़ास तौर से ये समस्या तब आती है जब हम कोई भी अन आइडेंटिफाइड वरायटी मतलब हम हम ऐसे दुकान से कोई बीज ले आते हैं जिसके बारे में हमें मालूम नहीं रहता है तो ये रोग आने की संभावना बढ़ जाती है तो थोड़ा और दूसरी बात ये रोग जो फैलता है ये वाइट फ्लाई यानी सफ़ेद मक्खी से फैलता है तो जैसे ही शुरुआत में हम अपना जब बुआई कर लें शुरुआत से हम अपने खेतों में जाते रहें अगर कोई पत्ता पीला पड़ता है तो उसको निकाल करके बाहर जा के ज़मीन में दबा दें नष्ट कर दें उसको क्योंकि अगर कोई वाइट फ्लाई यानी कि सफ़ेद मक्खी उस पर बैठी और उसके बाद किसी अच्छे पौधे पर बैठेगी तो ये रोग उधर से फैलता चला जाता है तो थोड़ा इस बात पर ध्यान रखें और एक दवाएँ अगर आप चाहे तो इम्डाक्लोरोपिट सेवेंटीन पॉइंट है इसकी मात्रा को आप पंद्रह लीटर पानी में पाँच एम एल डाल करके स्प्रे करते रहें पहला स्प्रे के बाद दूसरा स्प्रे दस दिन के अंतराल पर करें और नियमित रूप से देख लें कोई पत्ता पीला पड़ता हो कोई पौधा पीला पड़ता हो उसको उखाड़ करके बाहर नष्ट कर दें यही इसका एक तरीका है एक बार आने के बाद अगर उसकी परसेंटेज बढ़ जाती है रोग की तो फिर कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो इसको रोक सके तो आप नियमित रूप से चेक कीजिए और आपको हमेशा सावधानी बरतनी पड़ेगी इसके लिए बिल्कुल सर जैसे कि जवान सीमा पर तैनात रहता है ऐसे ही किसान साथियों को भी अपनी फसल के लिए हमेशा तत्पर रहना है और कुछ किसान साथी अभी और उनके जो सवाल हैं जी मैं सर यही जानकारी ले चाहूँ कि जैसे अभी बीमारी के बारे में जो बता रहे थे डॉक्टर साहब तो हमारे लिए सर्वप्रथम तो मिट्टी का परीक्षण कराना चाहिए तो मिट्टी परीक्षण का उद्देश्य क्या है और उससे क्या क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में डॉक्टर साहब और हमारे बताएं किसान भाइयों को मिट्टी परीक्षण कराना क्यों आवश्यकता है और इससे क्या क्या होता है और इससे बीमारी होंगी न नहीं होगी तो मैं निवेदन करूँगा डॉक्टर साहब से क्या बताएं इसके जी बिल्कुल ये सवाल डॉक्टर वरिष्ठ वैज्ञानिक हमारे मृदा से जो हैं शैलेश कुमार सर जी आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है साम सामयिक क्वेश्चन कहा जाए इस से कि प्रश्न है ये तो आप देख रहे हैं कि जितने इसमें फसल लगाए हुए हैं जैसे अभी मूँग उड़द की बात चल रही थी मूँग की बात चल रही है तो इसमें कोई कीड़े और रोग जो लग रहे हैं तो इसमें निश्चित ही जो है जीवाणु और रोगाणु के तो मतलब कि है ही महत्व कि इनसे लगते हैं लेकिन सबसे बड़ा मतलब यदि कहा जाए सबसे बनता है कि वो तो यदि पौधों को समुचित मात्रा में संतुलित मात्रा में यदि उनको उर्वरक दिया जाए तो ये रोग और कीट जो है बहुत कम लगेंगे तो जो समुचित या बैलेंस मात्रा में हम पोषक तत्व तो दें तो उसके लिए ये है कि आप अपने खेत का पहले पर, मिट्टी परीक्षण कराएँ कि आपके खेत में वो सभी पोषक तत्व तो हैं क्या जो पौधों को चाहिए तो मिट्टी परीक्षण से ही पता चलेगा तो आपको मिट्टी परीक्षण कराना अति आवश्यक है कोई भी फसल लगा तो सबसे पहले मिट्टी परीक्षण करा लेना चाहिए अब बात ये थी, थी थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहिए कि मिट्टी परीक्षण कब कराने के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा तो सबसे पहला मतलब की है कि आपको मिट्टी जो है खुद स्वयं अपने खेत से लेना है अब कैसे लेंगे इसका थोड़ा सा आप लोगों को विधि बताना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने खेत पर जाएँगे और खेत पर खड़ा होकर के अपने खेत का निरीक्षण करेंगे कि आपका खेत का सब बराबर है क्या यदि बराबर नहीं है हो सकता है कि आपके खेत में जो है एक तरफ़ ऊंचा हो एक तरफ नीचा हो तो उसको दो भागों में बांट लीजिए ऐसा नहीं है हो सकता है कि आपके खेत जो है एक में मतलब कि गेहूँ लगाएँ एक में आप जो है चना लगाए हैं या सरसों लगाए हैं तो फसल के अनुसार भी विभिन्न भागों में उसको बाँट लेंगे यदि आपकी एक ही फसल है पाँच बीघे का यदि खेत है आपका एक हेक्टेयर का खेत है तो उसे एक मिट्टी का नमूना लेना है एक मिट्टी का नमूना लेने के लिए आपको पूरे खेत से कम से कम जो है पंद्रह से बीस जगह का मिट्टी जो है खोदेंगे वो मिट्टी कैसे लेंगे तो एक पंद्रह से बीस जगह से खोदेंगे एक जगह जो बिंदु होगा वहाँ से क्या करेंगे कि खुरपी के सहायते से एक फीट लंबाई चौड़ाई में पले जो है साफ़ कर लेंगे साफ़ करते समझा नहीं कि और खर पतवार हटाएँ कंकड़ पत्थर तो उसको हटाएंगे मिट्टी को नहीं हटाएंगे इसके बाद फावड़े या कुदाली से भी अच्छर कहा जाए इंग्लिश का भी अच्छर या कहें कि जो हल जोतते हैं जो कुड़ू बनता है उस आकार का गड्ढा खो देंगे गड्ढे की गहराई छः से नौ इंच की होगी और इस मिट्टी को फेंक देंगे इसको नहर लेंगे जो दीवार बनेगी दीवार की मिट्टी एक से डेढ़ सेंटीमीटर की उसमें परत में आप ऊपर से नीचे तक काटेंगे और इसको जो है तस्सल में रख लेंगे दोनों दीवारों से काटेंगे तो जो तीसरी दीवारें बनेगी दोनों तरफ से दोनों तरफ से लेंगे एक करीब जो है आपकी जो है पौन किलो मिट्टी हो जाती है पौन किलो से एक किलो मिट्टी हो जाती है इस तरह से पंद्रह से बीस जगह से मिट्टी लेंगे और इसको जो है एक तस्ल में रखते जाएंगे फिर उस तस्सल में जब दस पंदर, पंदर से पंद्रह पंद्रह से बीस जगह का मिट्टी लेंगे तो ले आएंगे और एक जगह जो है कपड़े का या आपकी प्लास्टिक की बोरी हो साफ हो उस पर रख करके या फर्श आपका साफ़ हो तो फ़र्श पे आप मिट्टी को गिरा करके उसको महीन कर लेंगे महीन करते समय आप थोड़ा तो सा ध्यान देंगे कि उसमें कंकड़ पत्थर हो खर पतवार के जड़ हों तो उनको निकाल देंगे इसके बाद उसको जो ढेर बनाएंगे गुलाई में गुलाई में ढेर बना करके फिर उसको जो गुलाई में फैला देंगे गुलाई में फैलाने के बाद उसको उंगली की सहायता से धन का निशान सब बनाएंगे जब धन का निशान बनेंगे तो ये चार भाग में बढ़ जाएगा तो एक बार जो है आमने और सामने की मिट्टी फेंक देंगे और अगल बगल की मिट्टी ले लेंगे तो जो जो मिट्टी थी आपकी आधी हो गई फिर इसको जो है ढेर बनाएंगे फिर गोलाई में फैलाएंगे फिर इसको जो है धन का इंसान बनाएंगे इस बार जो है जो पिछली बार लिए थे उसके ठीक विपरीत का मिट्टी लेंगे और जो पहले मिले की मिट्टी थी उसके जो है सामने विपरीत मिट्टी का फेंक देंगे इस तरह से प्रक्रिया तब तक दोहराएंगे जब तक कि आपके पास जो है आधा किलो मिट्टी ना हो जाए आधा किलो मिट्टी लेकर के एक थैली में जो है रखिए कपड़े की थैली हो सकती है प्लास्टिक की थैली हो सकती है ध्यान रखिएगा कि उसमें जो है कोई केमिकल की थैली ना हो उसमें रख करके आप अपना जो है पूरा खेत का जो है परिचय देते हैं जैसे अपना नाम गांव का नाम अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड खेत का सर्वे नंबर कितना रकबा है पिछली फसल कौन सी लगाए थे किस फसल के लिए मिट्टी का परीक्षण कराते हैं सिंचित है या असिंचित है इतनी सुचाएँ लिख करके एक उस पर साइन मार करके एक पैक एक पर्ची अपने अंडर डाल दीजिए दूसरा पर्ची जो है ऊपर बांध दीजिए ये जो है अपने फिर जो है मिट्टी परीक्षण के दीजिए मिट्टी परीक्षण कराने के लिए आप सबसे मतलब कहिए कि कहाँ कराएँ आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए तो आप लोग जानकारी देना चाहेंगे कि हर ज़िले में हर ज़िले के जितने भी ब्लॉक हैं वहाँ मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित हो चुकी हैं वहाँ करा सकते हैं और हर ज़िले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है तो अपने कृषि विज्ञान केंद्र पे भी आप के ले जाके करा सकते हैं मिट्टी का परीक्षण और जिले पे भी कृषि विभाग की लैब होती है आप वहाँ पे भी करा सकते हैं और आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपको कृषि विज्ञान केंद्र दतिया दतिया जिले में ही उपस्थित है तो आप लोग जो वहाँ भी मिट्टी परीक्षण ले जा करा सकते हैं मिट्टी परीक्षण कराने के बाद जो आप उर्वरक देते हैं तो संतुलित मात्रा में देते हैं तो कोई भी मनुष्य हो या कोई जीव हो यदि संतुलित मात्रा में उसको भोजन मिलता है तो आप लोग देखेंगे कि उसको रोग व्याद कीड़े बहुत कम ही लगते हैं इसी तरह से पौधों को भी यदि संतुलित मात्रा में पोषक तत्व तो मिले तो उसमें रोग ब्याध कीड़े बहुत तो कम लगेंगे आप लोगों को थोड़ा सा एक जानकारी और देना चाहेंगे कि आप लोग जैसे कीट की बात चल रही है रोग की बात चल रही है ये ज़्यादा क्यों लगते हैं कि आप लोग अपने खेत में पोटास नहीं डालते हैं आप लोग केवल डी ए पी यूरिया डालते हैं इनसे केवल दो ही तत्व मिलते हैं पोटास नहीं मिलता पोटास इस तरह का तत्व है कि पौधों में पानी को रेगुलेट करने के साथ ही कीड़े मकोड़ों से भी पौधों को जो है बचाता है क्योंकि पौधा जो है हार्डी हो, हो जाता है हार्डी नेचर का हो जाता है इसलिए उसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं तो आप लोग पोटास का भी यूज करें मिट्टी परीक्षण कराने के उपरांत तो आपका बहुत अच्छा प्रश्न रहा मेरा नाम संजू सिंह हेरवार मैं ग्राम पंचायत कटेली से हूँ सर मैं अपने पिताजी के साथ खेती करते हैं सर खेती करने के साथ साथ विचार आया मन में एक बकरी पालने का सर तो सर बकरी पालने का मन में आया तो बरबरी बकरी की सर अपने कृषि विज्ञान केंद्र से जानकारी मिली तो सर वहाँ से मांग की तो कुछ हमें वहाँ से दो बकरी मिली भी हैं कृषि विज्ञान केंद्र से सर दो अपने बा तेईस फरवरी दो को अपना सर वो बकरी अनुसंधान केंद्र मथुरा वहाँ पर सर मांग पत्र भी लगाए हैं लेकिन अभी तक वहाँ से कोई जवाब नहीं आया है हमें बकरी मिलने के लिए हमें बकरी क्यों सर ज़रूरत है सर हमें बकरी पालना है सर और ना तो बकरा है हमारे पास दो बकरी हैं का, खाली जो सर ने दी थी आपको कृषि विज्ञान केंद्र दतिया द्वारा संजोग से जो है मैं अब आप लोगों के सामने बताना चाहूँगा कि वहाँ पे बकरी पालन इकाई के हम जो है प्रभारी भी हैं तो इनको जो है हमने जो है बकरी जो है बकरी, जो है, बकरी बकरा एक बकरा भी दिए हुए हैं बरबरी का और पाँच वहाँ से पशु लाए हैं बकरी का बकरी और इसमें करके इनका चला इनका जो है बार बार डिमांड मतलब कि मांग है कि हमें जो है बरबरी का एक बकरा दिया जाए इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र में भी आवेदन दिया हुआ है और हमसे चर्चा हुआ है तो ये जो है मथुरा जो अपना जो है बकरी अनुसंधान संस्थान है वहाँ पे दिए हुए हैं तो हमने भी वहाँ बात किया हुआ है तो इनको जो है कि जैसे इनका नंबर आएगा तो इनको मिलेगा तो हम आपको और भी जानकारी देना चाहेंगे कि आपको वहाँ से भी मिल सकता है नंबर आने पर ही आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए तो ग्वालियर ज़िले में भी बकरी अनुसंधान केंद्र है रौरा गांव में तो वहां से आपको जो मिल सकता है और कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर में वहां से मिल सकता है और कृषि विज्ञान केंद्र शिवपुरी में भी है वहां से भी आपको मिल सकता है कृषि विज्ञान केंद्र लाहौर में है वहाँ से भी मिल सकता है लेकिन थोड़ा सा आपको सर्व करना पड़ेगा धैर्य रखना पड़ेगा कि कभी कभी जो है उपलब्ध नहीं होता है तो आपको आगे मिलेगा तो आप प्रयास करते रहिए आपको जो है निश्चित ही मिलेगा कृषि विज्ञान केंद्र भी आपके साथ है आपको जो है उपलब्ध करवाया जाएगा और जैसा कि संकेत दिया है सर ने कि देखिए अगर हमें कोई लाभ लेना है सरकारी तो प्रक्रियाएं तो पूरी करनी ही पड़ेंगी हम चाहते हैं कि हमें करना कुछ ना पड़े एक संस्कृत में श्लोक याद आ गया उद्यमेन ही सिद्धंती कार्याणी न मनोरथे न ही सुप्त सिंघस प्रवसंती मुखे मृगा हमें कुछ पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा तो इसके साथ ही जो बातचीत हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक आप सबको कहते हैं और निश्चित तौर पर आप इसका लाभ लें ऐसा नहीं है कि हम बस यहाँ सुनकर के और फिर आगे प्रक्रिया ना करें जाना तो पड़ेगा ही और साथ ही कुछ और भी है हमारे साथी जो अपने प्रश्न का जवाब लेना चाह रहे हैं नाम सत्येंद्र सिंह यादव है ग्राम गरीरा से मैं मूँगफली की फसल लगाए हूँ तो उसमें कीट लग रहा है जो तांतु आती है वो ताँत रह आ रहे हैं माहू है। तो उसके लिए बताए अच्छा मूँगफली में माहू आ रही है समय हाँ जब भी थोड़ा मौसम थोड़ा बदलाव के आता है तो माऊ का कीट कई फसलों में मतलब मूंगफली भी है आपकी उड़द भी है मूंग भी है इस समय इन सारी फसलों को माऊ प्रभावित करता है थोड़ा हमारा कहना ये आपसे कि माऊ के लिए आप जो दवा मैंने अभी आपको बताई थी इम्डा क्लोरोपिट उसके लिए तो वो उस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं और एस्ट्राइसिंग दवा आती है तो उसका कर सकते हैं इस्तेमाल थायोमेथागाम आती है उसका दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर पानी तेज गिर जाता है तो भी आपको मतलब माहू के लिए ज़रूरी नहीं कि दवा डाली जाए एक अच्छी बारिश हो जाए तो भी माहू हट जाती है वो भी ख़त्म हो जाती है तो पहले आप स्थिति देख लीजिए कि माहू कितनी है या मौसम में पानी तेज गिर गया तो भी माहू की आपको मतलब दवा डालने का सकता नहीं अनावश्यक दवाएं हमेशा कीटों में प्रतिरोध क्षमता पैदा करती हैं तो थोड़ा इस पर थोड़ा ध्यान दें कि मतलब अभी पानी गिरा है दो दिन से पानी गिर भी रहा अच्छा तो अभी ये समस्या ना हो तो दवा डालने की आवश्यकता आप आपको नहीं है क्योंकि माहू अभी जरा से तेज पानी में खत्म हो जाती है चलिए साथियों अब हम सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक और किसान भाई हैं जो हमारे अभी बीच में बहुत ही वाजिब सवाल कर रहे हैं आप अपना नाम बताएं सर और आपकी क्या समस्या है सर मेरा नाम पुष्प है मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ जो ग्राम घरेरा में हम जो क्या है पतली ज़मीन है राकर ज़मीन है पूरी तो उसमें क्या फसल बोते हैं गेहूँ की फसल लगाते हैं उसमें छः छः सात सात पानी देने पड़ते हैं जब कहीं फसल आके तैयार होती है तो मेरा मतलब ये कहना है विज्ञानों सबसे कि इसका क्या हो सके कि इसमें चार पाँच पानी में या फसल पूरी तैयार हो जाए पानी बहुत देने पड़ते पानी इधर है नहीं है पानी बहुत कम है इधर तो ये मेरा सवाल है सर बिल्कुल और हम आधुनिक तकनीक से ऐसी कौन सी फसलें लगाएं सर जिससे जिनमें पानी कम लगे और पानी का संरक्षण भी हो आपका बहुत वाजिब सवाल है क्योंकि इस एरिया में जो है हमारी जो ज़मीन है और वो थोड़ा क्या है पानी धारण जल धारण करने की क्षमता सी कम है और ऐसे में जब हम गेहूँ की फसल लगाते हैं तो हमें हर आठवें दसवें दिन भी पानी देना पड़ जाता है तो इन परिस्थितियों में हमको इस तरह की का चयन करना पड़ेगा एक तो जो कम दिनों की हो और दूसरा जो ताप को सहनशील कर सके हमारे यहाँ पहले जैसे हमारे काफ़ी एरिया लोकवन वैरायटी लगाते हैं पर लोकवन आज की तारीख़ पर करीब करीब 40-50 साल पुरानी हो गई है और उसका उत्पादन भी 35 कुंटल से ऊपर हेक्टेयर नहीं निकल पाता है अगर देखा जाए तो किसान को बहुत अच्छा उत्पादन उससे नहीं मिल रहा जबकि आजकल की वरायटियाँ बड़ा अच्छा उत्पादन दे रही हैं और इसके एम पी चालीस पहले एक अच्छी वरायटी थी एम पी बारह सौ दो बारह सौ तीन बड़ी अच्छी वरायटियाँ हैं इसके लिए और हमारे कृषि विश्वविद्यालय किसी विश्वविद्यालय की कि हमारी एक वैरायटी है आर वी डब्ल्यू इकतालीस जीरो छः आर वी डब्ल्यू इकतालीस जीरो छः को अगर आप आद... आठ से नौ दिसंबर तक भी बोएंगे तो भी इसका उत्पादन 45 से 48 कुंटल के बीच में आ जाता है और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है ये वैरायटी जो है अगर फरवरी के महीने में भी मौसम जरा सख्त हो जाता है गर्मी आ जाती है तो ये उसको सहन कर लेती है तो हमारे किसान का जो नुकसान होता है जैसे कि हम पूसा तेजस लगा रहे हैं सतासी उनसठ है सतासी तेरह है और कई ऐसी वरायटियाँ हैं जो जी डब्ल्यू तीन सौ बाईस है तीन सौ छाछठ है यह हाईिंग वरायटियाँ हैं इन वरायटियों में क्या होता है कि पानी तो ज़्यादा लगता लगता है ये पूरा समय लेती हैं और ज़रा सा गर्मी बढ़ जाए तो उत्पादन इनका काफ़ी नीचे चला जाता है तो मैंने जो वरायटियाँ आपको पहले बताई हैं इसको आप थोड़ा आप इस्तेमाल करिए देखिए आपको प्रोडक्शन में आपके उत्पादन में जरूर आपको लाभ होगा जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने बहुत ही सवाल जो बहुत ही अच्छा सवाल था और इसका बखूबी आपने जवाब दिया है एक और किसान साथी हैं आप अपना नाम बताएं सर और क्या सवाल है आप मेरा सब चरण नाम यादव है और इस फसल मूंगफली में सर और नेचे वाला सुखे देख बेगरी फसल हो गई उसको ये ये किसी में हाँ। दीवारों लग जाता है सूख अच्छा। जाती है बाल पूरी फसल टाइम पे आ रही है दिमकुल। और दिमक बुझ अच्छा तो खेत में दिमारा लग जाता है सर हाँ। और एक और जो अभी इसके पहले बात कर रहे थे कि कोई कीड़ा ऐसा होता है सफेद हाँ जो हमारे किसान दो भाई कह रहे थे डिमारा ये लोकल लैंग्वेज है यहाँ की एक्चुअली में वो दीमक होती है जो गेहूं में लग जाती है जड़ों काट देती है जब हम पौधा को ऊपर निकालते हैं तो उसमें थोड़ी मिट्टी लगी रहती है कटा हुआ होता है है ना और मूंगफली में जो आपका लगता है देखिए सफेद रंग का एक कीट होता है जिसको आप छुएंगे तो चंद्रमाकार बन जाता है है ना तो वो भी क्या करता है जड़ों को काट देता है तो हमारा किसान भाई से सबसे पहला कहना यह है कि हमारा हर दो साल पे गर्मी की एक गहरी जुताई करें जैसे गेहूँ हमारा कट जाता है अप्रैल के महीने में तो मई के महीने में ट्रैक्टर चला करके गहरे मिट्टी पलटने वाले हल से और उसकी जुताई कर दें और पूरा एक महीना जो पंद्रह बीस पच्चीस दिन जो गर्मी पड़ती है और खेत पर गिरने दें पचास परसेंट रोगाणु कीटाणु आपके ऐसे ख़त्म हो जाएंगे पहली चीज़ तो ये है दूसरी बीज जब मूँगफली हम बो रहे होते हैं तो बोवाई के पहले खेत को अच्छे से तैयार करें और एक दवा आती है फिप्रोलिल जीरो पॉइंट तीन परसेंट की चार किलो पर बीघा उसको रेत के साथ मिला दें खेत में जिससे कि उससे दो फायदे ये हैं कि उस खेत में वो सफ़ेद गिडार जो आपके उसमें लगता है जो आप लोकल में गदैया कीट बोलते हो और दूसरा डिमारा जो आप दीमक होती है ये दोनों समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी ठीक है ना और तीसरी चीज़ है अगर ये समस्या मतलब गेहूँ में आपको आ ही रही है तो हम पानी के साथ भी एक दवा आती क्लोरोपारीफास ट्वेंटी परसेंट की आती है जैसे हम हम देखते भगवान शंकर जी को हम जल चढ़ाते हैं एक मटकी में छेद करके बूंद बूंद पानी गिरता है तो जहाँ से सिंचाई का पानी जा रहा हो दवा लगा दें यानी कि करीब करीब ढाई से ढाई लीटर दवा एक हेक्टर में लगती है, है ना तो दो तीन जगह से पानी दे रहे हो तो एक डब्बे में या ग्लूकोज की बोतल में सेट करके आप उसको लगा दें पानी के साथ वो दवा खेत में चली जाएगी तो आप आपकी दीमक को पूरा बस ध्यान ये रखना है खेत में कपड़ा भुट्टे भुट्टा होता है ज्वार का भुट्टा का साबुत खाने के बाद भुट्टा फेंक देते हैं कच्ची लकड़ी ये सब चीज़ें खेतों में मत डालें और हरा जैसे चारा फेंक देते हैं क्योंकि दीमक इससे बढ़ती है और इन चीज़ों को आप ध्यान रखें और आसपास कहीं बांबी हो जो आप कहते हैं जिसमें सांप रहता है अगर आप जाएं उसको चेक करने के लिए उस बामी को ऊपर से तोड़ दें और दो दिन के बाद देखें अगर बामी बन रही है तो उसमें केवल दीमक हो सकती है और जब दीमक है तो यही क्लोरोपारी क्लोरोपारीफास दवा का तीन एम पर लीटर के हिसाब से पानी को भरें और एक डंडे की सहायता से उस बामी को नीचे तक छेद करें और ये दवा को डाल दें क्योंकि नीचे एक रानी दीमक होती है जब तक वो ख़त्म नहीं होगी तब तक दीमक आपके खेत से जाएगी नहीं तो इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखें एक और बहुत ही जेन्यून सवाल है सर सभी किसान साथियों की तरफ से कि जो स्वरोजगार की बात आती है तो स्वरोजगार के लिए कोई ऐसे प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिए जाते हैं ताकि वो अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकें और प्रशिक्षण कहाँ होते हैं इनके लिए कितना समय और इसकी जो समय सीमा है कितने समय का प्रश्न आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है आज के परिवेश में देखा जा रहा है कि जो गाँव के नवयुवक हैं ग्रामीण नवयुवक अपना गाँव छोड़ करके सर की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि उनको कोई गांव में रोज़गार नहीं मिल पा रहा है तो इसके लिए जो है सरकार की तरफ से जो है विभिन्न तरह की जो है योजनाएं भी चला रही हैं और स्वराजा स्वरोजगार के लिए जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि वो अपना खुद का जो है रोज़गार स्थापित कर सकें इसके प्रशिक्षण की बात आती है कि प्रशिक्षण कहाँ कहाँ मिलेगा तो इसके लिए जो आपके ज़िले में कौशल विकास केंद्र है जो केंद्र द्वारा राज्य सरकार द्वारा संचालित है आप वहाँ पर प्रशिक्षण ले सकते हैं इसके बाद आपके ज़िले में हर ज़िले में हर जितने भी आपके ज़िले हैं मध्य प्रदेश हो या पूरा भारत का कहा जाए हर जिले में आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं कृषि विज्ञान केंद्र पर विशेष तौर से नव ग्रामीण नवयुवकों के लिए रोज़गार के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है व्यावसायिक प्रशिक्षण जिसमें जो विषय होता है मशरूम पालन मशरूम उत्पादन बकरी पालन मुर्गी पालन केचुआ पालन सिलाई कढ़ाई इत्यादि विषयों पे जो है ट्रेनिंग जाती है इसकी अवध जो है स्टार्ट जो कोर्स चलते हैं पाँच से आठ दिन के होते हैं जो लंबे कोर्स चलते हैं वो आपके जो है करीब एक महीने के होते हैं जैसे सिलाई कढ़ाई की जो ट्रेनिंग है ये आपकी जो है करीब करीब जो है एक महीने की चलती है इसके साथ और भी जो है आपकी ट्रेनिंग चलती है जैसे आप कह लिया जाए कि कोई फसल लिए हैं अगले उसके बाद मतलब कि हम कि बचा कैसे रख सकते हैं तो जैसे मुरब्बा बनाना अचार बनाना टमाटर की मतलब की जो है तरह तरह के प्रोडक्ट बना के रखना या डेयरी से कुछ मतलब कि उत्पाद हैं उसका कुछ बना कर रखना सोयाबीन मिल्क बनाना इस तरह के जो है तरह तरह के जो है ट्रेनिंग जो है कृषि विज्ञान केंद्र में और कौशल विकास में चलते रहते हैं तो ये सब ट्रेनिंग का मतलब है आप लोग तो ट्रेनिंग अपने जिले में भी ले सकते हैं और बाहर भी इस तरह का ट्रेनिंग जो है ज़िले पर संबंध बना कर के जाकर ले सकते हैं बिल्कुल सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपने हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ही उपयोगी जो सवाल हैं और जवाब भी बहुत ही उपयोगी रहे हैं आज के इस चौपाल कार्यक्रम में हमारे साथ किसान साथी थे जिनका बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपना समय निकाल करके हमें दिया और अपनी बातें रखी हैं विशेषकर धन्यवाद हम देना चाहेंगे हमारे जो वरिष्ठ वैज्ञानिक आज के इस कार्यक्रम में आए हृदय से आप सभी का हार्दिक आभार और धन्यवाद साथियों कार्यक्रम कृषि दर्शन का चौपाल का ये अंक अब यहीं समाप्त हुआ अगले कार्यक्रम में हम कृषि से जुड़ी हुई नई बातें नई तकनीक फिर से लेकर आएंगे तब तक के लिए अनुमति नमस्कार, नमस्कार।